कोविड का जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उसके देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने ये निर्णय लिया है कि एक स्थायी जेल का यहाँ पे कल से शुरू कर रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय में, और जो लोग भी अनावश्यक घूमते पाए जाते हैं, जो मेडिकल या किसी अन्य कारणों से नहीं जा रहे हैं, केवल तफरीह के लिए निकल रहे हैं और अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, आज हमारे साथी 5-6 तहसीलदार नायब तहसीलदार संक्रमित हैं। हमारे बीच के श्री बोरीवाल जी, आज उनका दुखद निधन हो गया, जो एक अत्यंत होनहार अधिकारी थे। बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर और नर्सें संक्रमित हो रही हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि इसको जरा भी नॉन सीरियसली ना लें, जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका स्ट्रिक्टली पालन करें, अपने घरों में रहें, सब्जी के बहाने, दूध के बहाने, और इस बीच ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लापरवाही के नाते अन्य लोग जिनको सचमुच जरूरी काम है वो लोग भी ना निकल पाएं। तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से पुनः सबसे अपील करूंगा कि आप घरों में रहें, बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। कल से सब्जी और दूध की दुकानें भी सुबह 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगी। जो बस्ती में ठेले लेके इधर उधर घूमते हैं उन पर भी कड़ी पाबंदी रहेगी, और जो भी कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाया जाएगा उस पर FIR की भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और माननीय मंत्री जी अभी भी बैठक में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार वो बैठकें ले रहे हैं। हमने जो जिले के 8 अस्पताल हैं उनमें सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। धर्मपुरी के 10 की जगह 20 कर लिया है। जो हमारा धामनोद का है सेंटर, उसमें फ्लो मीटर वगैरह उपलब्ध हो गए हैं, कल से 10 सीटर वो भी चालू हो जाएगा। गंधवानी का 10 सीटर हमारा हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। कुछ ही में जो 25 सीटर था उसको 80 सीटर करने जा रहे हैं, उसमें लगातार काम चल रहे हैं, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तैयारी हो रही है। टांडा के अस्पताल को हम बहुत चालू करने वाले हैं जल्दी ही, 1-2 दिन में SDM उसकी तैयारी करके बताएंगे। बदनावर में एक प्राइवेट अस्पताल 10 ICU के साथ हमने ले लिया है, उसकी भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, 1-2 दिन में वो अस्पताल भी चालू हो जाएगा। किंतु इस सबके बावजूद भी मेरा अनुरोध है कि ये व्यवस्थाएँ केवल हम क्राइसिस के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो एकलव्य है उस सेंटर पे भी हमने 200 लगभग उसकी जगह है, और वहाँ पे 50 सीटर CCC चालू किया है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, घरों में अगर उनकी जगह नहीं है तो वहाँ पे वो रुकने के लिए आ सकते हैं। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह से लोग इस खतरे में हैं, इसका एकमात्र उपाय है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों में रहें। अगर कोई भी सिम्टम मिलता है तो तत्काल अस्पतालों में आएँ, अपनी जाँच कराएँ। जांच के लिए आज माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, अलग से किट्स भी मंगाए जा रहे हैं। जो बंगाली छाप डॉक्टर जिन्होंने गलत इलाज कर रहे हैं उनकी दुकानें भी सील कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी करा रहे हैं। 2 शादियों की हमें खबर मिली थी और उनमें पूरे परिवार सहित दूल्हे से लेकर वहाँ के सचिव सरपंच पर भी हमने FIR दर्ज कराई है, और भविष्य में अगर इसका कोई उल्लंघन पाया जाता है, क्योंकि ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी है और जनता क्राइसिस में है, लोग खुद कर्फ्यू लगा रहे हैं, अपने व्यापार का नुकसान कर रहे हैं, वैसे में अगर इसको कोई ब्रेक करता है तो उस पर हम बहुत ही कड़ी कार्रवाई आगे से करेंगे। थैंक यू।